नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय ग्रह नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। सितंबर माह का दूसरा सप्ताह आरंभ होने वाला है। ये सप्ताह काफी खास होने वाला है। इस सप्ताह कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। 9 से 15 सितंबर तक के इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति की बात करें तो कन्या राशि में शुक्र के साथ केतु और सूर्य ग्रहण विराजमान रहेंगे। ऐसे में कन्या राशि में त्रिग्रही योग के साथ शुक्रादित्य के साथ सूर्य केतु योग बन रहा है। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान है। बुध की स्थिति की बात करें तो वो सिंह राशि में विराजमान है। इसके साथ ही मंगल मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में मौजूद है। इसके अलावा कर्मफलदाता शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है, जहाँ पर वो शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही समय समय पर चंद्रमा भी किसी न किसी ग्रह के साथ युति करते रहेंगे। जानते हैं 9 सितंबर से 15 सितंबर 2024 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरू करते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में स्वजनों के साथ टकराव होने की आशंका बनी रहेगी, तो वही सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने करियर और कारोबार को लेकर सतर्क रहना होगा। इस दौरान हालात कुछ ऐसे बन सकते हैं कि आपको अपनों का साथ मिलने की बजाय उनका विरोध झेलना पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों को इस दौरान लोगों से बातचीत, धन का लेन देन, महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय तथा वाहन चलाते समय खूब सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा बड़े नुकसान के साथ अपमान भी झेलना पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों को सप्ताह के मध्य में किसी के साथ वाद विवाद करने से बचते हुए अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान व्यवसायियों को बड़ी देनदारी चुकाने के कारण आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत भी चिंता का कारण बन सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और गलतफहमियों पर विवाद करने की बजाय उसे संवाद से दूर करने का प्रयास करें। खास उपाय, प्रतिदिन बजरंगबली की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशि फल की। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक है। इस सप्ताह आपकी विभिन्न स्रोतों से आय तो होगी, लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। ऐसे में आपको आय व्यय के असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में आने वाली अड़चनों को लेकर मन परेशान रहेगा। सोची हुई योजनाओं में बाधा पड़ने से मन खिन्न रहेगा, जिसका असर आपके कामकाज से लेकर आपके निजी जीवन में देखने को मिल सकता है। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं, तो आपको कठिन परिश्रम करने पर ही मनचाही सफलता के योग बनेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने की आशंका है। ऐसे में इस दौरान आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर उसकी अनदेखी न करें और समय पर इलाज कराएं। नौकरी पेशा लोगों पर सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए अधिक मेहनत और समय की आवश्यकता पड़ेगी। लव लाइफ में इस सप्ताह किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। जीवन साथी के साथ भी आपसी समझ या फिर कहीं तालमेल की कमी नजर आएगी। परिवार में भाई बहनों से भी अपेक्षा के मुकाबले कम सहयोग मिल पाएगा। खास उपाय, प्रतिदिन स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक 15, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशि फल की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले कुछ कम फलदायी साबित हो सकता है। हालांकि आपको जीवन से जुड़ी किसी भी कठिनाई का सामना करते समय स्वजनों एवं शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग और समर्थन पूर्ववत मिलता रहेगा। इस सप्ताह तमाम तरह की विघ्न बाधाओं के बावजूद आपके काम रुकेंगे नहीं।
करियर कारोबार में धीमी गति से ही सही लेकिन प्रगति होगी। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे थे तो आपको किसी अच्छी संस्थान से ऑफर आ सकता है। हालांकि भावनाओं में बहकर या फिर जल्दबाजी में करियर अथवा कारोबार में बदलाव करने से बचें और अपने शुभचिंतकों से इस संबंध राय अवश्य लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कामकाज के सिलसिले में अनावश्यक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना होगा, अन्यथा उनके साथ विश्वासघात हो सकता है। इस दौरान आपका मन आर्थिक दिक्कतों और संतान से जुड़ी किसी समस्या को लेकर चिंतित रहेगा। डॉट खास उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशि फल की। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह बेहद सधे हुए कदमों के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा, अन्यथा हाथ आया हुआ अवसर भी आप खो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के समय सेहत और सामान का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि इस दौरान आर्थिक एवं शारीरिक हानि होने की आशंका रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा दिक्कतों को लिए रहने वाला है। इस दौरान उन्हें बाजार में आई मंदी जूझना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको धन के लेनदेन में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आए कुछ एक बड़े खर्च के चलते आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। यदि आप किसी प्रतियोगिता या फिर परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो कठिन परिश्रम करने पर ही मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह घर परिवार में उपजी कलह और जीवन साथी से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा दुखी रहेगा। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति के जरूरत से ज्यादा दखल देने के कारण आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। धास उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल एवं बेलपत्र चढ़ाकर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग गोल्डन। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशि फल की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आप लंबे समय से मनचाही जगह पर तबादले या फिर किसी विशेष जिम्मेदारी या पद को पाने की आस लगाए हुए थे तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। यदि आपने नया कारोबार शुरू किया तो सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको उसमें खासी प्रगति और लाभ देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। प्रॉपर्टी, टिम्बर, इंटीरियर एवं पर्यटन आदि का काम करने वालों के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। यदि आप लंबे समय से किसी भूमि अथवा भवन के क्रय विक्रय को लेकर प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपकी यह अभिलाषा भी पूर्ण हो सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ आपका अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। खास उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को जल दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। डॉट शुभ अंक 12, शुभ रंग मजेंटा। बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशि फल की। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्य को समय पर पूरा करने और मनचाही सफलता पाने के लिए अथक परिश्रम और प्रयास करने होंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों की नापाक चालों से खूब सतर्क रहना होगा और अपने कार्य को समय पर बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आप अपने बॉस के गुस्से के शिकार बन सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना होगा तथा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बनती बात भी बिगड़ सकती है। यदि आप व्यापारी हैं
तो आपको इस सप्ताह अपने कागज संबंधी सभी कार्य समय से पूरे कर लेने चाहिए, अन्यथा आपको अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसी प्रकार आपको इस सप्ताह किसी भी कार्य में शॉर्टकट लेने अथवा नियमों का उल्लंघन करने से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ अपमान झेलना पड़ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको स्वजनों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना ही उचित रहेगा। लव लाइफ में बेवजह का शक छोड़कर आपसी विश्वास पैदा करने का प्रयास करें। कठिन समय में जीवन साथी मददगार साबित होगा। धास उपाय, प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाकर भगवान श्री गणेश की पूजा एवं गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशिफल की। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। इस सप्ताह आपके करियर कारोबार में धीमी गति से ही सही लेकिन प्रगति एवं लाभ होता नजर आएगा, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, ऐसे में आप अपनी योजनाओं का खुलासा उसके पूर्ण होने से पहले करने की भूल बिल्कुल न करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई अपनी गलतियों का ठीकरा आप पर फोड़ने की कोशिश कर सकता है। झूठे आरोप एवं सीनियर से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण इस दौरान आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको इस सप्ताह किसी भी योजना अथवा कारोबार धन सोच समझकर निवेश करें। यदि आपका कोई भूमिभवन से जुड़ा विवाद चल रहा है तो उसे कोटक चहरी ले जाने की बजाय आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास करें। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए दूसरों की भावनाओं की कद्र करें तथा बातचीत के दौरान विनम्रता बनाए रखें। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय उचित समय का इंतजार करें, अन्यथा बनती बात बिगड़ सकती है। धास उपाय, प्रतिदिन शक्ति की साधना में देवी दुर्गा की चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग सिल्वर। बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशिफल की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह आप यदि अपनी समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं तो आप अपेक्षा से अधिक सफलता और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको दूसरों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतनी होगी। यदि आप दूसरों के साथ तर्कयुक्त बातचीत करते हैं तो आपके विरोधी भी आपके समर्थन में खड़े हो सकते हैं। यह सप्ताह कमीशन, काउंसलिंग आदि का कार्य करने वालों के लिए शुभ साबित होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। इस दौरान आपका भाग्य पूरा साथ देगा और आपका बाजार में फंसा धन निकल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं मनचाहा लाभ दिलाने वाली साबित होंगी। इस दौरान आपकी सत्ता सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति से मेल मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से आपको भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। रिश्ते नातों में अनुकूलता बनी रहेगी। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों पर माता पिता का पूरा आशीर्वाद बरसेगा। प्रेम संबंध में मधुरता एवं सामंजस्य बना रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। धास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशि फल की। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयास के अनुरूप सफलता और लाभ न मिलने पर आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक इस स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलेगा और आपके अटके कार्यों में गति आएगी। धनु राशि के जातकों को सप्ताह के पूर्वार्ध में अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा विरोध करने पर आप खुद को अकेला पा सकते हैं।
धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह ख्याली पुलाव पकाने की बजाय अपने करियर और कारोबार को बेहतर तरीके से करने के लिए पूरे मनोयोग के साथ मेहनत और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह आपको उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखने की भी आवश्यकता रहेगी जो आपको अक्सर भटकाने का प्रयास करते हैं। जीवन में आने वाली परेशानियों से उत्पन्न हताशा को दूर करने और एवं मन की शक्ति को पाने के लिए आप इस सप्ताह खुद को धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रखने का प्रयास करेंगे। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। ढास उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव को शमी पत्र अथवा बेल पत्र चढ़ाकर रुद्राष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग नेवी ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशिफल की। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात को गांठ बांध कर रखना होगा। यदि आप इस सप्ताह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से नहीं घबराते हैं और उसका डंट कर मुकाबला करते हैं तो आपके सभी सोचे हुए कार्य देरी से ही सही लेकिन पूरे होंगे। इस सप्ताह यदि किसी कार्य को लेकर आपके मन में शंका पैदा होती है तो आपको उससे जुड़ा अहम फैसला लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय अवश्य लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों पर सप्ताह के मध्य में अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में अधीनस्थ लोगों से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण मन में निराशा का भाव पैदा हो सकता है। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। किसी अटके हुए कार्य को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। यदि आपने पार्टनरशिप में कोई नया कारोबार प्रारंभ किया है तो उसमें सावधानी के साथ आगे बने, अन्यथा पार्टनर के साथ विवाद होने की आशंका है। प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियों को दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद करें। ढास उपाय, प्रतिदिन श्री हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशि फल की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको भले ही करियर कारोबार से जुड़ी कुछ एक मुश्किलों का सामना करना पड़े लेकिन उत्तरार्ध तक स्थितियां आपके अनुकूल होती नजर आएंगी। ऐसे में आपको किसी बड़े निर्णय अथवा कार्य को करने के लिए आपको सप्ताह के उत्तरार्ध के समय का चयन करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में कुंभ राशि के जातकों को चिंता छोड़ चिंतन करने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको अपने महत्वपूर्ण कार्य को समय से निपटाने के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी परेशानी का सबब बनेगी। इस दौरान अत्यधिक खर्चों के कारण आप कठिनाई का अनुभव करेंगे। यदि आप बेरोजगार हैं और रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत है तो इस सप्ताह आंशिक सफलता मिलने के ही योग बनेंगे। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको इस सप्ताह अपने से बड़ों की बातों और छोटों की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार होने की आशंका है। इस सप्ताह लव पार्टनर से मेलमिलाप में अड़चन आने से आपका मन खिन्न रहेगा। ढास उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में रुद्राष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग व्हाइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशिफल की। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह के अंत तक जीवन से जुड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयास का पूरा फल मिलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमिभवन से जुड़ा विवाद अप्रत्याशित रूप से दूर हो सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा अथवा विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत है तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध तक इससे जुड़ी अड़चनें दूर होंगी और इससे संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी।
सरकारी नौकरी वालों को मनचाहा पद मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठ आपके कामकाज की प्रशंसा करेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस सप्ताह के मध्य में आपका नए लोगों के साथ मेलजोल लाभदायी साबित होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। यदि आपका अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो इस सप्ताह सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपके संबंध पूर्ववत मधुर बन जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। ढास उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।